गंदम जब 55 से 60 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को यूरिया का इस्तेमाल मुकम्मल कर लेना चाहिए। तकरीबन 72% गंदम ऐसी है जो 60 दिन की हो चुकी है, इसलिए जो यूरिया है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गंदम कहीं कहीं कमजोर है तो वहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से गंदम की नबाताती ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर जो एफिड होता है उसका हमला बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी बीमारियों का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गंदम का गिरने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। आप लोग अगर चावल वाले इलाकों से हैं जहाँ पर आप लोगों ने पहले चावल लगाया था, वहाँ पर ज़्यादा नमी होने की वजह से या फिर धुंध ज़्यादा होने की वजह से गंदम के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो फिर NPK लेना है, उसको लेकर उसका 3% सॉल्यूशन बनाकर वो स्प्रे कर देना है गंदम से। इससे आपको गंदम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। महकमा ज़राअत, हुकूमत-ए-पंजाब।